ये हमने 2 कप मैदा ली है और हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्का सा नमक डालेंगे और हम इसको पानी से गूंथ लेंगे। पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ा सा नरम रहे ना ज़्यादा कड़ा रहे, सॉफ्ट डो लगाएंगे। ये देखिए, जैसे कि हम सलोनी वगैरह के लिए बनाते हैं उस टाइप का, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये हम डो लगा के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने 1 कटोरी पानी लाए हैं और थोड़ा थोड़ा करके इसको गूथेंगे। आटा है जिसमें ज़्यादा डाल देंगे तो गीला हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा इसका जो आटा है ज़्यादा सख्त नहीं गूथना है, नॉर्मली रहने देना है इसको, और थोड़े थोड़े से करके हम इनको 3 पेड़े बनाएंगे जो हमने और इसका जो मैदा रखा हुआ है उनका। ये देखिए, ये हमारा आटा बन के तैयार हो गया। हमारा डो बन के तैयार हो गया है। 10 मिनट के लिए हम इसको कुछ से भी प्लेट लेट या कपड़े से ढा के रख देंगे। तो देखिए, हमको इतना ये आटा गूंथने में हमको 1/2 कटोरी पानी। देखिए, हम जो मोमोज बना रहे हैं पूरा एकदम हट के बना रहे हैं। थोड़ा सा हम इसको जो सब्जियां हैं पत्ता गोभी, हम उनको हल्का सा सोते करेंगे। देखिए, इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, मिर्ची डालेंगे और थोड़ा सा प्याज डालेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, इसको हल्का सा सोते बस करेंगे। दो मिनट के लिए करेंगे। ये हम पत्ता गोभी है, 1/2 पत्ता गोभी चाहिए हमने, 1/2 किलो है, 1 कटोरी पत्ता गोभी है। हम थोड़ा ये तेज आँच में सौते करेंगे, अगर हमारा थोड़ा बहुत पानी है तो वो भी सूख जाएगा, इससे हमारा ये चैस है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये हमने 1 चुटकी गरम मसाला डाला है, क्योंकि ये हम थोड़ा सा हल्के बना रहे हैं। थोड़ा सा हम ये देखो धनिया पाउडर ले रहे हैं, जिसमें हल्का चेंज नज़र आए हमको। ये थोड़ा सा लाल मिर्ची ले रहे हैं, अब हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, 2 मिनट करके फिर हम बंद कर देंगे। ये हम स्वाद अनुसार नमक ले रहे हैं, हम इसको तेज आंच में करेंगे फ्राई, क्योंकि हमको उबालना नहीं है, पूरा पकाना नहीं है, हल्का सा सौते करना है, क्योंकि इससे हमारा जो टेस्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और बल्कि बहुत ही अच्छा लगेगा। जो हम बिना फ्राई किए करते उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगे होता है, बल्कि ये अपन करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब हमने गैस को कर देते हैं ऑफ। ये हमारा हो गया है 2 मिनट के लिए सौते, हम बंद कर देते हैं। ये बना के तैयार कर ली है, अब हम एक बना के दिखाएंगे आपको। ये देख बना के दिखाते हैं। इसकी जो लोइयाँ हैं, इसको जो हम पूरी जैसे बनाएंगे, इसको पतला बनाना है, तो आपके जो मोमोज बनेंगे एकदम पतले दिखेंगे, बहुत ही अच्छे शाइनिंग मारते हुए। इसको हमको मोटा नहीं रखना है। ये देखिए,
ये हमने कितने अच्छे से पतली बना ली है, ये देखिए। अब हम थोड़ा स्टफिंग भरेंगे। हम एक चम्मच भरेंगे, ज़्यादा नहीं भरेंगे, जिसमें आपको अच्छे से बने। हम आपको सिखा रहे हैं, ये देखिए। ये ऐसे लिए पूड़ी के जैसे, जैसे हम गुजिया बनाते हैं ऐसे, इसको थोड़ा सा दबा दिया, फिर इसको ऐसे करिए, ये यहाँ पीछे साइड दबाते जाना है। ये देखिए, ये ऐसे हम दबाते जाएंगे, ये देखिए, ये ऐसे हम दबाते जाएंगे, थोड़ा और दबाएंगे, ये देखिए जी, हमारा इतना दब गया है। और हम यहाँ से इसको, ये फिलिंग को ऐसे दबा देंगे, ये देखिए, ये ऐसे प्रेशर कर देंगे, देखिए। बहुत ही बनाना इजी है, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा देखो थोड़ा सा खुला है। हम इसको अच्छे से प्रेस कर देते चारों साइड से, ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बन गया है। ये भी देखिए, हम भी अभी बनाए हैं, और भी हम आपको बनाना दिखाते हैं, हम बताते हैं। एक चम्मच ही हमने ये स्टफिंग भरी, इसको हाथों से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ऐसे, फिर इसको ऐसे पीछे से, जैसे ऐसे हम पोटली बनाते हैं, इस टाइप से हम पोटली जैसे बनाते जाएंगे। और फिर ये ऐसे हमने ये यहाँ से दबा दिया, फिर हाथों से प्रेस करेंगे, फिर ये ऊपर जो हम फिलिंग है, ये स्टफिंग के यहाँ ऊपर, ये हम ऐसा प्रेस करके इसको हल्का सा मोड़ देंगे। ये हमारे सारे मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम स्टीम के लिए ये तैयार हो गए हैं। आप कढ़ाई में, गंजी में या कुकर में, जैसे भी आपको अच्छा लगे, वो छन्नी के ऊपर उसको पहले ग्रीस कर लेंगे, फिर ये मोमोज रखेंगे। आपको जिस कुकर में या जिसमें भी आपको सुविधा हो, आप उसमें, हम आज कढ़ाई में रखेंगे। ये देखिए, हमने ये छन्नी जो है हमने ग्रीस कर ली है, और ये हमने कढ़ाई में स्टैंड रखा है, उसके अंदर पानी डाला है, स्टीम होने लगा है। अब हम ये ऐसे रख देते हैं और हम अपने मोमोज रख देंगे। ये देखिए, ये ऐसे रख देते हैं, ये हमारे में ऐसे पास पास रखेंगे तो ज़्यादा आ जाएंगे एक लाइन से। ये देखिए, स्टीम बनने लगी है। हमारे एक बार में जितने आ जाएंगे हम उतने रख देंगे। ये देखिए, जहाँ थोड़ा सा जगह दिख रही है हम रखते जा रहे हैं। अब हमारे ये इतने आ गए हैं, हम ढाक देंगे प्लेट से। बड़ी प्लेट से ऐसे ढाक देते हैं और 5-10 मिनट के लिए हम रख देंगे। ये हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे, 5 मिनट बाद, यदि थोड़ा सा भी वो देखेंगे अपने आप साइन। मोमोज बन के तैयार हो गए हैं, ये देखिए, ये हमारे हो गए स्टीम पूरे। ये देखिए, हम पलट के भी दिखा रहे हैं, सारे के सारे हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। और ये देखिए, हमारे मोमोज बन के तैयार हो गए हैं। अब हमने एक प्लेट में सर्व कर दिए है। हमें ये चटनियाँ हैं, शेजवान चटनी और ये ग्रीन चटनी। यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक बार इसको इस तरीके से बना के ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।